हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? आज मैं लेकर आई हूँ एक यम्मी मिठाई बनाकर कि जो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। और त्यौहार भी आने वाले हैं, रक्षाबंधन भी आने वाली है, इसीलिए हम बनाएंगे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ। इसी के लिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ ब्रेड के पीसेस लिए हैं। आज हम मिठाई ब्रेड से बनाएंगे। अब मैं इस ब्रेड की इन किनारियों को कट कर लूँगी सारे के, क्योंकि हमें ये किनारी डालनी नहीं है इसमें। और इसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे ब्रेड तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक मिक्सर जार लूँगी, उसमें इसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसे इसमें डालकर पीस लूँगी। और यहाँ मैं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं और सामान लूँगी। यहाँ मैंने चीनी ली है, इसमें मैंने 3-4 इलायची डाली, इसे मैं बारीक पीस लूँगी। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन्हें भी पीस लूँगी। और यहाँ मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसे मैंने पीस लिया है, आपको दिखा रही हूँ मैं पिसा हुआ। और चीनी को मैं मिक्सर जार में डालकर पीस लूँगी और इसे छलनी में डालकर छान लूँगी, जिससे इलायची हमारे मुँह में ना आए। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं, चीनी भी, और हमारे बिस्किट भी पिसा हुआ है, और हमारी है फ्रेश मलाई साथ में। चलो शुरू करते हैं। अब हम यहाँ मैंने ये ब्रेड जो पीस लिया था उसे ब्राउन में कर लिया है। और यहाँ मैं डालूँगी एक और चीज़, मिल्क पाउडर। इसी से ही हमारी मिठाई का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी फ्रेश मलाई जो मैंने लेकर रखी हुई है घर की, 2 चम्मच इसमें डालकर इसे फिर मैं हाथ से मिलाऊँगी। ज़्यादा एकदम नहीं डालनी है, नहीं तो ज़्यादा डालेंगे तो एकदम पतला हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके डालना है। 2 चम्मच और डालूँगी, अभी मुझे सूखा लग रहा था ये। इस तरह से करते हुए मैं इसे अच्छा सा एक चिकना डो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है और इसके साथ मैं इसे एक बार और करूँगी कि जिससे हाथ से ना चिपके। अब ये मेरा अच्छा चिकना डो बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसे चाकू की सहायता से इस तरह से कट कर लूँगी रोल बनाकर। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े टाइप बनाकर रख लूँगी। इस तरह से मैंने सारे बनाकर रख लिए हैं। अब मैं ये जो फिलिंग है इसमें भरनी है, इसके लिए तैयारी करती हूँ ये ड्राई फ्रूट्स जो लिए हैं, और इसमें मैं मिला दूँगी ये जो मैंने बिस्किट पीस के रखा हुआ था, और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था उसी में से लेकर बाइंडिंग के लिए, और 1/2 चम्मच के करीब मलाई डाली है। इस तरह से मिक्स कर लूँगी इसे। थोड़ा सूखा सा लग रहा था मैंने तो और डाल लिया है मैंने इसे। अब ये अच्छी तरह से बन जाएगा। उसी तरह से जितनी हमारे पेड़े बने हुए हैं उतने ही हम इसके ड्राई फ्रूट्स के बनाकर रख लेंगे। इस तरह से मैं गोल गोल बनाकर इन्हें भी रख लूँगी। अब ये हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं बनाना। इसे मैं हाथ पे लेके चिकनाई लगाकर, जिससे ये चिपके नहीं, इस तरह से थोड़ा हाथों से फैलाकर इसे और इसके अंदर ये रख कर ड्राई फ्रूट्स इस तरह से धीरे धीरे करके इसे बंद कर दूंगी। ये अच्छी तरह से हो जाता है, कोई परेशानी सी नहीं लगती इसे करने में, बहुत आराम से हो जाता है ये। देखो हमारा तैयार है बिल्कुल इस तरह से। देखो कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं एक पीस और बनाकर दिखाऊंगी आपको। इस तरह से मैंने इसे भी पतला सा कर लिया है, थोड़ा चौड़ाई सा करके। चिकनाई बार बार लगा लेना क्योंकि ये फिर चिपक जाता है हाथ पर। फिर इसी तरह से रख कर
फिर इसे भी हम इसी तरह से धीरे धीरे करके गोलाई में करके इस तरह से अब ये भी हमारा तैयार हो गया। देखो इसी तरह से मैं अपनी साड़ी तैयार कर लूँगी। अब ये तैयार हो गया है, यहाँ हमने अपने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा सजाने के लिए आप कि ये अगर लगाना चाहते हैं सिल्वर पर तो लगाएं, नहीं तो रहने दें, पर इससे मिठाई और अच्छी लग जाती है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से हाथ पे लेकर इस तरह से लगा दिया। ये थोड़ा सा हाथ पे चिपक जाता है, मैंने इसीलिए इस तरह से लगाया है। देखो और कितनी आसानी से बड़ी जल्दी से और हाथों पे भी ज़्यादा चिपका नहीं है, ये लग गया है। इसी तरह से मैं दूसरे पीस को भी दिखाऊंगी करके, इसलिए लिया है इस तरह से और इसे इस तरह से लगा दिया है। इस तरह से करने से हमारी मिठाई जैसे देखने में अच्छी लगती है, उसी तरह से खाने में भी बहुत स्वाद लगेगी। अब यहाँ मैं थोड़ा पिस्ते से इसे थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ इस तरह से, और फिर थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ लगा देती हूँ। देखो दोस्तों कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, देखो वाओ। आप ज़रूर इसे बनाएं, अगर आप इसे बनाकर देखेंगे तो हर बार इसे बनाने का मन करेगा। देखो दोस्तों आपको मैं इसे एक पीस को कट करके भी दिखाती हूँ। देखो इसके फीलिंग किस तरह से यम्मी लगती है अंदर से, और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।